इसमें प्रूव करना है कि रूट थ्री प्लस रूट फाइव क्या है, इरेशनल, मतलब ये रेशनल नहीं है और पहले से ही पता ही है, तो मैं प्रूव ही क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक मैथ्स में वो होता है ना कि प्रूव करो बात को अपनी, मतलब साबित करो कि क्या आंसर आने वाला है, तो वो कर रहे हैं। अब समझो इसको, जैसे अपन क्या लिखते हैं, रूट थ्री प्लस रूट फाइव, तो रूट थ्री कौन सा नंबर है, इरेशनल। रूट फाइव कौन सा नंबर है, इरेशनल। जाहिर सी बात है दोनों का सम करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल। पर ये लॉजिक नहीं है, ये तो बहुत छोटा मोटा लॉजिक है। हम इसको मतलब इसका मेथड का नाम है, क्या नाम है, कॉन्ट्राडिक्शन। या मैंने तुम्हें कल भी बताया था ये मेथड, बताया था कि नहीं, मेथड का नाम क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। मैथ्स में कुछ चीज़ें थ्योरम्स होती हैं, उसको एज अ थ्योरम ही लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम्हें कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा जाएगा नहीं, ये क्वेश्चन जस्ट तुम्हारे स्कूल में ज़रूर पूछा जाएगा, समझ में आ रहा है। अब रूट थ्री प्लस रूट फाइव को क्या करना है, इरेशनल। क्या करेंगे हम, रूट थ्री प्लस रूट फाइव को क्या मान लेंगे, अब ये पी अपॉन क्यू कहाँ से आया, अरे पी अपॉन क्यू का मतलब क्या है, कौन सा फॉर्म, रेशनल। तो अपन ने क्या कर दिया, इरेशनल को क्या मान लिया, अपन मान ही कर रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं। और अपन ये कंडीशन फर्दर जा आगे जाके क्या कर देंगे, ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। इसका मतलब जो अपना अपन ने अज्यूम करा था, जो माना था, वो क्या था, सही था, समझ में आ रहा है। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, वेरी गुड। हाँ बस आगे चल रहे हैं, अब मैं इतना मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए थोड़ी अच्छी। सबसे पहले इसमें मुझे स्टेप्स हैं, तुम क्या लिखोगे, पी एन क्यू, लेट पी एन क्यू बी को प्राइम्स। पी एन क्यू को क्या मानना है, को प्राइम्स। और को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनमें वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे अपन ने लिखा है फाइव और थ्री, तो ये दोनों नंबर कैसे हैं, को प्राइम। क्या फाइव और फिफ्टीन को प्राइम है, नहीं है, क्योंकि फाइव को क्या लिख सकते हैं, फाइव इंटू वन, फिफ्टीन को फाइव इंटू थ्री, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, फाइव। दीज आर नॉट को प्राइम बट दीज आर को प्राइम। तो इतना भी समझ आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। अब लेट पी एन क्यू बी को प्राइम्स। अब रूट थ्री प्लस रूट फाइव को क्या लिख सकते हैं, पी एफ ऑन। यही बोला था मैंने, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, मेथड का नाम इधर डाल दो अच्छे से बड़े अक्षरों में, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, ठीक है। तो यहाँ से तुम बताओ, तुम्हें तो मैथ्स आती है जनरली, क्यू नीचे है तो कहाँ जाएगा, ये मैथ्स तो आती है ना, रूट थ्री प्लस रूट फाइव इंटू क्यू इक्वल टू क्या आ गया, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। कल भी बताया था शायद मैंने, कहा नहीं, तुम ये तो गलत कह रहे हो, ये वाला नहीं, ये सारे मेथड एक ही मेथड पे हैं। कुछ भी ये इसको प्रूफ करना हो इरेशनल तो भी तुम ये लगाओगे, ठीक है, इसको प्रूफ करना हो इरेशनल तो भी यही लगाओगे। अब होल स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तो रूट थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, आंसर पी स्क्वायर। इधर देखो, रूट थ्री प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा आंसर, थ्री प्लस फाइव प्लस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट फाइव, ब्रैकेट बंद, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, ठीक है। और थ्री प्लस फाइव कितना होता है, एट, एट प्लस टू ये हो जाएगा रूट फिफ्टीन इंटू क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो क्यू स्क्वायर है इज अ फैक्टर ऑफ क्या है, जल्दी बताओ, क्यू स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और यहाँ से ये हो सकते हैं क्यू इज अ फैक्टर ऑफ पी, क्यू इज अ फैक्टर ऑफ पी, यानी कि हमने क्या बोल दिया, ध्यान से समझना, इतना मेहनत करके क्या आया कि पी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू इंटू के इंटू एम, मतलब पी को हम लिख सकते हैं क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं ना, और जबकि बात क्या कही थी हमने, लेट पी एन क्यू बी, और क्या आ गया मेथड का नाम, मतलब अपनी बात जो हम लेके चले थे वो गलत प्रूव हुई, इसका मतलब जो हम लेके चले थे वो सही थी। ये तो मैं थोड़ा भी नहीं आ रहा होगा, पर ये प्रूफ इसी तरह से होता है, तो इसको बोलते हैं रूट थ्री रूट फाइव इज इरेशनल। कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे करना है, डन, नोट कर लो इसको।